फाइंड आउट करना है, लेट ए इज इक्वल टू 2111 और इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम यूज करेंगे क्या, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, जिसमें यहां पर हम एलएचएस में हम ए की वैल्यू रख देंगे 2111 इज इक्वल टू, और आई की वैल्यू हम रखेंगे 1001, और ये क्या है, ये ए है। अब हमारा मकसद क्या है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, ठीक, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे ऑपरेशंस का यूज करके, तो यहां पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहां पर कुछ जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है, तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स यहां पर 2 में से किसको, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या, ये 1 1 हमारा ऐसा ही बना रहेगा, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन जो हो रहा है वो किसमें, फर्स्ट रो में हो रहा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है, तो देखिए उससे क्या होता है, देखिए ये 1 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ए, ठीक है, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 0 में से 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -1, ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू -1 क्रॉस R2, ठीक है, R2 में हम क्या करेंगे, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 0 और ये 0 और ये 1 इज इक्वल टू और ये 1 -1 और ये -1 और ये +2 ए, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, अब ये हमारा I के इक्वल है, तो यहां से ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमारा आ जाएगा 1 -1 -1 2, बस ये हमारा आंसर है। देखिए बच्चों, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको आंसर, फाइनल आंसर तक पहुंचने में आप लोग को दिक्कत होती है, लेकिन इसका मेथड इनवर्स निकालने का मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में बता चुका हूं, तो वहां से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना आप सीख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका मेथड है, तो वो छोटा होता है और उससे आपका आंसर आ जाएगा, तो वो आंसर की हेल्प लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बाद में मिला सकते हैं।